तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। OnePlus Nord जब इंडिया में लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस डिवाइस रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आपको 5G देखने मिल जाता है। जब भी इंडिया में 5G आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने OnePlus Nord लेकर कोई भी गलती नहीं की थी, आपका डिसीजन बढ़िया था। अभी दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने OnePlus Nord 5G के लिए बेस्ट टेम्पर ग्लास एंड बैक कवर। दोस्तों जो डिवाइस है हमारा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो उसके लिए हमें प्रीमियम एक्सेसरीज भी परचेस करनी चाहिए। रही बात प्राइस की, तो प्राइस आपके बजट में ही रहने वाली है। इस वर्क साइट टेलाइन बने रही है, मैं मुसलमान भी आप देख रहे हैं अपने भाई का मिस्टर डग जी चैनल। वीडियो को बिना डिले शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बैक कवर की। दोस्तों आपको OnePlus Nord में बहुत बढ़िया कैमरा देखने मिल जाता है, आपको वॉल्यूम साइलेंट बटन भी देखने मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो बैक कवर मेरे हाथ में है, ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट में बिकता है और एक अलग पहचान बना चुका है। हाइब्रिड स्मोकी मेट फिनिश बैक कवर बोला जाता है, बट उसका भी अपग्रेडेड वर्जन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि कैमरा प्रोटेक्टर के साथ आता है। ये अभी मैं इसके सारे आपके स्पेक्स बताता हूँ, कैसे आपको ये डिवाइस को एक नया लुक एंड आपको नया एक्सपीरियंस देने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों पहले तो कलर्स की बात कर लेते हैं। आप जो भी कलर परचेज करना चाहें आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पर ब्लू है, ग्रीन है एंड ब्लैक है, एंड यहाँ पर ये डार्क ग्रीन है। यहाँ पर आपको जो बटन्स हैं, सबके बटन्स अलग अलग कलर के हैं, ये बटन्स डिटेचेबल हैं, यहाँ पर ये बटन निकाले जा सकते हैं। और रही बात इसके जो मटेरियल की, ये TPU बिल्ड है पीछे, ये रबड़ बिल्ड है। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर आपको जो ये मिलता है, ये पहली बात तो बिल्कुल भी कड़क नहीं है, M2 से बिल्कुल हार्ड नहीं है। हार्ड होता तो ये क्रैक हो सकता था गिरने पे, बट ये क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, जिससे कि मजबूत रहता है। एंड इसके ऊपर एक अलग से मैट फिनिश के लिए लेयर है, जो कि काफ़ी सही एंड प्रीमियम फील होगी आपको, आई थिंक दिख जाएगा। एंड रही बात इसके साइड मटेरियल की, यह रबड़ बिल्ड है, ये स्क्रैच प्रूफ है, यहाँ पर आपको स्क्रैच दिखने नहीं मिलने वाला। रही बात इसके ये रबड़ बिल्ड क्यों है, रबड़ बिल्ड इसलिए है ताकि आपको सही से ये फिट आ जाए आपके डिवाइस पे एंड काफ़ी सही से पकड़ में आ जाए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जब भी आपका डिवाइस गिरे साइड में या फिर कैसे भी गिरे, ये शॉक प्रूफ बन जाता है। ये रबड़ है, थोड़ा सा मोटा सा है, हल्का थिक भी है, लेकिन हल्का सारा आपको काफ़ी लाइट वेट ये देखने को मिल जाता है। ये आपके डिवाइस के कॉर्नर्स को बम्प ना आने दे, ठीक है। रही बात इसके जो ये कैमरा प्रोटेक्टर है, ये कैमरा प्रोटेक्टर फुली रबड़ बिल्ड है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, साइड से हार्ड है। ये क्या करेगा, आपके डिवाइस के कैमरा प्रोटेक्टर को, कैमरा लेंस को प्रोटेक्ट करेगा। जब भी आप अपने डिवाइस को ऐसे रखेंगे नीचे फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, तो आपको आपकी डिवाइस को स्क्रैच से रखेगा महफूज, ठीक है। यहाँ पे लेंस के, ये जो है फ्लैश के लिए और ये कैमरास के लिए, ये आपको यहाँ पर अलग से पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं। ये जो पोर्ट है दोस्तों, ये वॉल्यूम स्लाइडर के लिए है, और ये जो नीचे आपको पोर्ट दिख जाते हैं, आप अपने फ़ोन से मिला सकते हैं। ये है स्पीकर टाइप सी, एंड यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक। अब दोस्तों यहाँ पर जो रही बात इसके अंदर बटन, मैंने आपको बता दी, ये हैं बटन्स। यहाँ पर दोस्तों कलर एक बार फिर देखना चाहें तो देख सकते हैं, कलर काफ़ी सही है, एक्यूरेट कलर है, फिनिशिंग काफ़ी सही है, ऊपर आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने मिल जाता है। और ये आपको ये जो है यहाँ पर, ये एक तरह से कुछ बांधने के लिए दिया जाता है, कुछ आप टैग लगाना चाहें, ये आप परचेस कर सकते हैं। कॉम्बो में क्या है, आप इसको अलग से एडिशनली परचेस करना चाहें अपने OnePlus Nord के लिए टेम्पर ग्लास परचेस कर सकते हैं। बाय द वे ये टेम्पर ग्लास मैं आपको दिखा देता हूँ, D+ टेम्पर ग्लास है, जो कि फुल ग्लू है, S2 एज है, 9 इंच इसकी स्ट्रेंथ है, काफ़ी मतलब हार्ड है, 0.3 mm की इसकी थिकनेस है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो भी बाकी हैं, एंटी स्मज है, और इसके ऊपर ओलियोफोबिक कोटिंग है, जिसका मतलब है कि आप जब भी गेमिंग करेंगे वो स्मूथ रहेगा। ओलियोफोबिक कोटिंग के बारे में आप गूगल पे और जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और रही बात इसके अंदर ऑयल, एंटी ऑयल है, एंटी स्मज उसी को बोलते हैं। और यहाँ पर आपको 9 इंच की स्क्रीन देखने मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको एक वाइप देखने मिलेगा, जिससे अपनी सरफेस को, डिवाइस के डिस्प्ले को साफ़ करनी है। एंड यहाँ पर आपको ये फाइनली देखने मिल जाता है, D+ G4 OnePlus Nord। यहाँ पर आपको इसकी अगर मैं बात करूँ साइज़ के, बिल्कुल ये S2 एज रहने वाला है। ये आपको कॉर्नर से, साइड से, ये आपको कर्व देखने मिलता है, ताकि अपने डिवाइस को सही से ये पकड़ ले और आपके डिवाइस के साइड में मिट्टी विट्टी ना आए। अगर आप पूछेंगे कि क्या इसके ऊपर हम लगा के इसको लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आप OnePlus Nord पे लगा के
बैक कवर और टेम्पर्ड दोनों एक साथ आ जाएगा, दोनों एक साथ बने हुए हैं और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं 499 में। आई थिंक ये प्राइस रहने वाला है ओम्बो ऑफर एंड फ्री डिलीवरी अक्रॉस इंडिया है। और क्या चाहिए आपको इसकी, जो दोस्तों मैंने बता दिया स्पेक्स, आप पूछना चाहें और पूछ सकते हैं कुछ, मैंने अप्रोक्स एवरीथिंग कवर किया है इस वीडियो में, जैसे कि ये साइड्स में कर्व्ड है, आप पूछना चाहें बाद में। और ये फुल है, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है फुल ग्लू है। अब पूछेंगे इस पर बबल तो नहीं आएगा, बबल दोस्तों कब आता है, जब आपके जो डिवाइस जो टेम्पर्ड ग्लास है वो फुल ग्लू ना हो, लेकिन ये फुल ग्लू है, मतलब पूरे में यहाँ पर ग्लू है। अगर कहीं पर भी बबल आ जाता है बाय चांस, तो आप क्या करिए कि बबल के ऊपर थोड़ा देर टैप करके रखिए, आप उसको प्रेस करके रखेंगे फिर वहाँ चिपक जाएगा वो, क्योंकि फुल ग्लू है, फिर जो बबल है वो चला जाएगा। अगर डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल सही है, स्मूथ है, तब ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। अगर ऐसे करने पे चेक करने पे कुछ गड़ रहा है, एक साइड गड़ रहा है एक साइड नहीं गड़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने नाखून से इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली उठा के दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक ही बार में करना बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन ये 9 स्ट्रेंथ है, तो ये आप 2-3 बार इसको आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। एंड 499 प्राइस है इसका, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, एंड मेरे पास ये रिव्यू के लिए आया है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बार में दे रखा है। कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था वीडियो में।